250 लोग हैं, 250 लोग से ज़्यादा हैं। क्या है मामला यहाँ पर? मामला यहाँ DM साहब से अर्जी करने आए हैं कि या तो बंजर जमीन में तालाब खुदवा दे। तो गड्ढा हो गया तो बाद में चकबंदी के बाद उसे तालाब दर्ज कर दिया गया था, जबकि कभी भी किसी प्रधान ने वहाँ पे एक भी फावड़ा नहीं बनवाया था, फावड़ा से मिट्टी नहीं निकलवाई थी। इसमें दिक्कत इस बात की आ रही है सर, लगभग 55 परिवार है, 250 प्लस लोग हैं, अब ये लोग बेघर हो रहे हैं, जाएं कहाँ। नमस्कार दोस्तों, न्यूज उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर में 55 परिवार वालों पर घर खाली करने के नोटिस से मचा हड़कंप। आरोप है कि इन परिवार वालों ने तालाब की भूमि पर मकान निर्माण कर रखा है, लिहाजा अपने मकान को बचाने या कहीं और विस्थापित करने के याचना को लेकर गांव के लोग कलेक्टर पहुंचे और जिलाधिकारी से गुहार लगाकर न्याय की मांग की। दरअसल यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर की जा रही है। दरअसल यह मामला है दुबेपुर ब्लॉक के अहिमाने गाँव का है। इसी गाँव की एक महिला ने गाँव में ज्यादातर मकान तालाबों में बने होने के चलते उसे हटवाने के लिए हाईकोर्ट का सहारा लिया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन हरकत में आया और गांव के करीब 55 परिवार वालों को तहसील सदर से तालाब की भूमि पर मकान निर्माण हटाने के नोटिस थमा दी गई है। नोटिस मिलते ही पीड़ित गांव वाले आज महिला बच्चे लेकर कलेक्टर पहुंचे और जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों की माने तो इनकी कई पीढ़ियां करीब 200 वर्ष से यहां रहते चले आए हैं। उनकी माने तो पहले के लोग मिट्टी निकाली थी, बाद में चकबंदी के दौरान उसे तालाब घोषित कर दिया गया, लिहाजा अब तहसील से 55 परिवार वालों को घर खाली करने के नोटिस थमा दी गई है। अब मकान खाली करने से करीब 250 लोग प्रभावित हो रहे हैं, लिहाजा पीड़ित परिवार अपनी याचना को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे और कई और विस्थापित करने की मांग उठाई। वहीं जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार वालों से बात करते हुए उन्हें आश्वासन किया कि जो पात्र हैं उन्हें पट्टा दिलवा दिया जाएगा। तो न्यूज उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक ऐसे ग्राम सभा में है जहाँ पर बीते दिन हाई कोर्ट के एक ऐसे फैसले ने पूरे गांव को अस्तब्ध कर दिया, संकट में डाल दिया। पर आरोप है कि इन्होंने तालाब की जमीन पर अपना घर बनवाया, जिसके कारण प्रशासन के द्वारा इन्हें बीच कुछ दिनों में गिराने की नोटिस दी गई है। हम ग्रामीणों से बात करेंगे, मामला क्या है, क्या नाम है आपका? लवकुश वर्मा। क्या आरोप लगा है आप लोगों के ऊपर कि तालाब की जमीन में आप लोगों ने घर बनाया है? आरोप यही लगा है कि चकबंदी के दौरान तालाब हो गया, तालाब में घर बन गया है, आप उसको खाली करिए, DM साहब का आदेश है। आप लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने गए थे? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप लोग हाईकोर्ट जाइए, यहाँ से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग को अगर रिलीफ मिलेगी तो हाईकोर्ट से मिलेगी। कब निवास कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ हम 400 बरिस से रह रहे हैं, चार पुश्त बीत गई है, चौथी पांचवी हमारी चल रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं जैसे जानेंगे कि आखिर मामला क्या था, किस बात को लेकर। दादा नाम क्या है आपका? लल्लन वर्मा। आप लोगों को नोटिस दी गई है कुछ दिन में घर पे गिराने की, क्या सोचते हैं? अब दिन गए तो तब हमका सबका पता लाग सा है, अब दिन गए और हम सब जनते ना रहे, चार पुष्ट बीत गए, पुरखन अपन माटी खोद खोद कच्चा घर बनाए रहे ने, और जिमीदार के बसावा ही हम लोग, जिमीदारी टूट गई और हमका सबका मालूम ना है रहा और कितना हमारे सबका आजा पुरखा खत्म हो गए। अब हम का क्या जवान हुए तो अब नोटिस आया तो तीन साल से पता जानकारी चला में है, अब कच्चा घर बनाए रहे ने, खोद खोद मट्टी लग के मिट्टी से कच्चा घर बनाए रहे ने और रहत रहे ने। कच्चा घर बनेगा तो गड्ढा ही होगा। आप लोग जिलाधिकारी महोदय से कल मिलने गए थे, क्या आश्वासन मिला, क्या कहा उन्होंने? अब यह कहें कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट सबके जाओ तो वो फैसला करेगा हाई कोर्ट। शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं, आपको क्या न्याय मिले कैसे क्या? अब हमका चाहिए चीज का क्या था राय भर चाहिए, हमका घर चाहिए और जमीन सबके पास है, तकरे पास नहीं ना, जिमीदार का बसावा ही, जिमीदार लोग हमका सब थे यहाँ खेत बाड़ी। मतलब और भी ग्रामीण है जिससे जानेंगे कि आखिर क्या मामला था, क्या हुआ था इन लोगों के साथ। नाम क्या है आपका? चंद्रकली वर्मा। आपको आप लोगों प्रशासन द्वारा नोटिस जारी की गई है, आप लोगों ने तालाब पर अपना मकान बनाया है, तो जानकारी है हमका सबका, क्या सोचते हैं इसमें? चकबंदी में गलत हो गया, हमको सबको चार फुट की रहने की हो गया था, पांचवी पीढ़ी हमारी चल रही है, जहाँ पहले के आदमी बनाए थे वहीं हम भी बनाए थे, अब वहीं हमारे बच्चे भी बनाते, हम सबको इसको मालूम भी नहीं था। हाई कोर्ट गए तो वहाँ फिर कोई सुनवाई भी नहीं हुई वहाँ जिलाधिकारी पे, तो हाई कोर्ट बोले हाई कोर्ट जाओ तुम लोग। क्या मांग शासन प्रशासन से, क्या उम्मीद रखते हैं मुख्यमंत्री जी से, क्या उम्मीद रखते हैं? हम लोग रखते हैं कि हमारा सबका घर या तो बचे या तो हम लोग को जगह चाहिए और मकान भी चाहिए।
जैसे कि आप लोगों ने देखा कि काफी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित थे, रोटी कपड़ा और मकान, लोगों की प्राथमिक आवश्यकता होती है, इस चीज से उनको वंचित किया जाए तो कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे प्रकरण को संज्ञान ले और लोगों को इस समस्या से निजात दिलाएं। प्रधान जी, आपका शुभ नाम क्या है? रामराज वर्मा। क्या मामला है इन लोगों का जो यहाँ पर महिलाएं आज भीड़ लगाए हुए हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला यह है कि इन लोगों का घर पूर्वजों से कम 8-10 पीढ़ी हो गया। एक अहिमाने में भिटवा बोलते हैं, वो भीड़ था उसी पे सब बसे थे और आज कम से कम 50 घर हो गए हैं। 250 लोग हैं, 250 लोग से ज़्यादा हैं। क्या है मामला यहाँ पर? मामला यहाँ DM साहब से अर्जी करने आए हैं कि या तो बंजर जमीन में तालाब खुदवा दिया जाए, हम लोगों को उस ज़मीन पर वो नवीयत चेंज करके आबादी कर दिया जाए, या तो हम लोगों को पट्टा दिया जाए और कॉलोनी दिया जाए कि ताकि हमारा घर बस जाए कहीं। तो क्या हो रहा है इन लोगों के घर के पीछे, क्या हो रहा है? अब वो गिरने का आदेश आ गया है, बताया जा रहा है कि तालाब है और गिरने को आदेश आ गया है, बेदखली नोटिस मिल गई है हम लोगों को। इस बिहाब पे हम लोग पहुँचे हैं कि DM साहब कुछ हम लोगों का न्याय करें, मदद करें। हाँ। गरीबों की। क्या नाम है आप, क्या मामला है जो आप सुबह से बैठे हैं? नाम है राजीव कुमार वर्मा, ग्राम सभा हिमाने है। मामला ये है कि सर हम लोग पिछले 200 सालों से यहाँ रह रहे थे और अभी बताया जा रहा है कि हम लोग तालाब में बसे हैं। चूँकि क्या है कि जब पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज मिट्टी निकाले तो गड्ढा हो गया, तो बाद में चकबंदी के बाद उसे तालाब दर्ज कर दिया गया था, जबकि कभी भी किसी प्रधान ने वहाँ पे एक भी फावड़ा नहीं बनवाया था, फावड़ा से मिट्टी नहीं निकलवाई थी। इसमें दिक्कत इस बात की आ रही है सर, लगभग 55 परिवार है, 250+ लोग हैं, अब ये लोग बेघर हो रहे हैं, जाएँ कहाँ? सरकार से हम लोग ये गुहार कर रहे हैं कि हम लोगों को कहीं विस्थापित किया जाए, कहीं पट्टा दिया जाए। इस तरीके की वो याचना लेके हम लोग DM साहब के पास आए हुए हैं। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि हम लोगों की बातें सुनी जाए, नहीं तो हम लोग बेघर हो जाएंगे, जाएंगे कहाँ? ये हम लोग 8 बजे सुबह से बैठे हैं और लगभग 10 बज गया है, 2 घंटे हो गया हम लोगों को यहाँ आए हुए, और अगर DM साहब हम लोगों की बात सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग लखनऊ भी जाएंगे इस मामले को लेकर।